राकेश विश्वकर्मा ने ग्रहण किया भाजपा की सदस्यता। फरिंदा भारतीय जनता पार्टी नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी आनंद नगर राकेश विश्वकर्मा ने शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। राकेश विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा पार्टी की सदस्यता लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देश का भविष्य एवं नागरिकों का भविष्य सुरक्षित है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व विधायक शिवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में अपनी खुशी जाहिर की। राकेश विश्वकर्मा ने कहा, यह विकास अन्य पार्टी नहीं कर सकती। राकेश विश्वकर्मा के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा को ताकत मिली है। महाराजगंज जिला संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। और यहाँ से बसपा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रहा हूँ, और हमारे अभिभावक चौधरी, पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, और आपका भी मैं यहाँ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमको मिला है, और चूंकि बहुजन समाज पार्टी मैं बाबा साहब के विचारों से काफ़ी प्रेरित था जो है, और काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो माननीय काशीराम साहब के विचारों से भटक गई है, जिस कारण से मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया है। और इधर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के विचारों से मैं बहुत इनकी नीतियों से विचारों से मैं प्रेरित हूँ। जिस तरीके से हमारा देश, हमारा प्रदेश विकास कर रहा है, इन्हीं कारणों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, और माननीय चौधरी शिवेंद्र जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमको मिला है। और उसके बाद यहाँ से सांसद प्रत्याशी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के सानिध्य में, माननीय चौधरी शिवेंद्र सिंह हमारे अभिभावक इनके सानिध्य में कल महाराजगंज सिसवा में जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण किया। पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया है, घर घर जाके मोदी जी की और योगी जी की नीतियों को बताने का काम करूंगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रदेश को मजबूत कर रही है, और विकास की मुख्यधारा से दूर जितने भी व्यक्ति हैं एक एक व्यक्ति के पास चल के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताने का काम करूंगा और मोदी जी की सरकार बनाने का। चुनाव के ऐन वक्त आपने पार्टी बदला है, इसका क्या राज? देखिए, इसका यही राज है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी इस समय लड़ रहा है चुनाव, और बहुजन समाज पार्टी का जो भी पदाधिकारी है, मुझे ना ही किसी ने काल किया, ना ही मुझे वो महत्व दिया, ना ही किसी ने मुझे पूछा, और मैंने भी अपने अंतर्मन में विचार किया कहीं ना कहीं इस पार्टी, यह पार्टी जो व्यक्तिगत लाभ पे, यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है व्यक्तिगत लाभ पे चल रही है, जिसके कारण से मैंने इस पार्टी को छोड़ने का काम किया, और माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के विचारों से प्रेरित आपने बदल ली है। अब दो चौधरी मैदान में है, कौन चौधरी आपको भा रहा? देखिये, चौधरी की यदि हम बात करें तो माननीय पंकज चौधरी जी जो विकास पुरुष है महाराजगंज में, बहुत सारे चीज़ों पर इन्होंने काम किया है, जैसे यहाँ की रोड जो है कि चौड़े हो गए हैं, और यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी व्यवस्था है, और जो है यहाँ आपके फरिंदा में स्टेडियम की भी व्यवस्था हो रही है, ऐसे बहुत अनगिनत, रेलवे स्टेशन का भी व्यवस्था हो रहा है, ऐसे अनगिनत जो है काम है जो माननीय पंकज चौधरी जी के माध्यम से हमारा महाराजगंज विकास कर रहा है। और यदि दूसरे चौधरी की हम बात करें, आप लोग जानते हैं ये दूसरे चौधरी जो है 315 विधानसभा के विधायक हैं, और जब से ये विधायक हुए हैं मुझे लगता है 315 फरिंदा का विकास जो है बेहद स्लो हो गया है। और ये आपको किसान नेता बताते हैं, और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाला, तो वहाँ कहाँ आप अपने आप को तोड़ते हैं? नहीं, ये ट्रैक्टर रैली एक अलग चीज हो गया, ठीक है ना, उससे भाई आज का आप लोग जान ही रहे हैं, रैली किसी की भी होती है, लोग जनता अपने पहुंच गए, वो एक अलग बात किसान की बेटे की हो रही है। देखिए, बात किसान के बेटे की हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ के वीरेंद्र चौधरी जी की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एक जमींदार है, और जमींदार के बाद जो है कि किसान की बात हम करेंगे, पहले वो जमींदार है, और उन्होंने क्या क्या किया है लोगों के साथ, आप उनके क्षेत्र में जाइए, अगल बगल पता करिए, आपको पता चलेगा कितने बड़े किसान है और किसानों का कितना मदद करते हैं, सिर्फ वो अपना पेट चलाने का काम कर रहा है और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और किसी भी किसान का साथ नहीं। आप महाराजगंज के आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर से राजनीति करते हैं, और महाराजगंज जनपद में 4 चीनी मिल थी, जिसका पहला चीनी मिल जो है शुगर मिल आपका आनंद नगर में है,
चार चीनों में एक ही चालू है, तीन बंद है, उसपे क्या कहना? ये कल में माननीय पंकज चौधरी जी के यहाँ था, इसी मुद्दे पे चर्चा भी हुआ है, और भाजपा जो है लगी हुई है मीट को चलाने के लिए, या इसमें कोई उद्योग धंधा अभी कल जो की माननीय पंकज चौधरी जी का बयान आया है, देखिए कोई चीज बंद हो जाती है, अगर कोई सरकारी पचड़े या कानून या न्यायालय में फंस जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है, तो माननीय मंत्री जी का जो है कि ये आदेश है कि जल्द से जल्द जो कि जैसे ही कहा ये न्यायालय से इसका मामला खत्म होता है तो यहाँ उद्योग धंधे की बात करके यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करके रोजगार देने का काम किया जाए। युवाओं पे क्या आपकी सोच है? आप युवा है, युवा नेता है, युवाओं के प्रति क्या सोच है? देखिए मैं युवाओं से यही कहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक काम हमको बहुत अच्छा लगा, मैं धारा 370 की बात करूंगा, जो कि जब से मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यही देखा है कि लोग कहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं होगा, और इस लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार में उनके नेतृत्व में धारा 370 खत्म करने का काम किया गया है, और धारा 370 कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक ऐसा धब्बा है जो हमारे हमारे देश को जो है नीचे गिराने का काम किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा काम जो है कि मोदी जी ने धारा 370 खत्म करने का काम किया है, और प्रदेश के देश के मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मोदी जी के साथ आए और उनको जो है कि 1 जून को कमल वाले निशान पे जो है कि बटन दबा के मोदी जी की सरकार बनाए ताकि हमारा देश आगे और प्रगति करे। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत। Thank you.